फ्रेंड्स, आज हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लेंगे। कल इसका मेथड बताया गया था कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। आज उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है 3, 6, 7, 5, ठीक है, ये बोल रहा है कि इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह का जो भी क्वेश्चन देते हैं, सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3, 6, 7, 5 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाएगा तो डिविजिबिलिटी टेस्ट इसके लिए क्लियरली पता होना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन में पहले 2 से ट्राई करते हैं, फिर 3 से करते हैं, उससे भी नहीं हुआ तो 5 से करते हैं। तो पहले ये 3 से कटेगा कि नहीं इसको देख लेते हैं। 6, 3, 9, 7, 16, 5, 21, तो डिजिट्स को जोड़ने पर 21 आ रहा है और 21 3 से डिविजिबल है, 3 से कट जाएगा तो 12 और ये 25, 3 बार में कट गया। फिर उसके बाद 2, 1, 3, 2, 5, 5, 10, अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब ये 5 से सो काटते हैं तो 5 2 10 2 5 4 20 5 5 25, फिर उसके बाद 5 4 20 5 9 45, और उसके बाद 7 7 49। तो इसका प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आया, 3 × 5 × 5 × 7 × 7। अब इसमें देखते हैं कि कौन पेयर में है कौन पेयर में नहीं है। तो 5 पेयर में है, 7 पेयर में है, 3 एक अकेला जो है वो बच जा रहा है। तो अगर इसमें एक और 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 भी पेयर में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि देयरफॉर 3, 6, 7, 5 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 3 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन करने के लिए हमको इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 3, 6, 7, 5 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3, 5 = 15, 3, 7 = 21, 22 कैरी 2, 3, 6 = 18, 20 कैरी 2, 3, 3 = 9, 2 = 11। यानी ये वो नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ये वही पूछा है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो वो नंबर क्या है, तो 3 है, 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। और उसके बाद ऑल्सो फाइंड दी नंबर हुज स्क्वायर इज दी न्यू नंबर। ठीक है, और वो नंबर बताना है जिसका स्क्वायर जो है नया नंबर होगा। तो इसका यानी इसका स्क्वायर रूट निकाल देना है। तो इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्लियरली है ये चीज हम लोग जो निकाले हैं उसके हिसाब से ये आ जाएगा रूट अंडर 3 × 3 × 5 × 5 × 7 × 7। तो 3 बार निकलेगा, 5 बार निकलेगा, 7 बार निकलेगा, तो 5 × 3 = 15, 7 × 105। तो ये हो जाएगा 105 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में पूछा होता कि किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो अगर इसी नंबर को अगर 3 से डिवाइड कर देते तो 3 से 3 कट जाता, तो उसके बाद जो भी बचता वो पेयर में आता। ठीक है, तो वैसे केस में इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन इसमें होगा। और तीसरे जो एक्सरसाइज 3A है उसको पूरा बना लेना है। ठीक है, और जो भी अगर कोई दिक्कत अगर होती है तो उसको पूछ लेना है। ठीक है, थैंक यू।